रेलवे पुलिस स्टेशन पर महिला को छूने की कोशिश कर रही है निलंबित। एक महिला पुलिस अधिकारी को अनुपयुक्त तरीके से छूने के बाद यात्रियों ने अलार्म उठाया। पूछताछ के बाद उसे निलंबित कर दिया गया था। एक वीडियो में देखा जाने के बाद रेलवे सुरक्षा बल या आरपीएफ का एक कांस्टेबल निलंबित कर दिया गया था, जिसने बुधवार को एक महिला को अनुपयुक्त तरीके से स्पर्श किया था। कांस्टेबल जहांगीर मुंबई में कल्याण पुलिस स्टेशन में तैनात थे। कैमरे पर कांस्टेबल को उसके बगल में बैठे एक महिला को छूने के लिए देखा जा सकता है। कुछ यात्रियों ने कांस्टेबल को घेर लिया क्योंकि उन्होंने भागने की कोशिश की थी। कांस्टेबल जहांगीर मुंबई में कल्याण पुलिस स्टेशन में तैनात थे। वीडियो में जो सोशल मीडिया पर वायरल चला गया है, जहांगीर को उसके पीछे बैठे एक औरत को छूने के लिए देखा जा सकता है। ऐसा प्रतीत होता है कि महिला उसके साथी के साथ कल्याण रेलवे स्टेशन पर इंतजार कर रही थी। सेंट्रल रेलवे के डिविजनल कमिश्नर सचिन घाल ने कहा, जैसे ही हमने वीडियो देखा हमने जांच की और तुरंत कांस्टेबल को निलंबित कर दिया। रेलवे मंच पर इंतजार करने वाले यात्रियों ने देखा कि कांस्टेबल महिला को छू रही है और अलार्म उठाया है। वीडियो में नाराज आवाजें सुनाई जा रही है। पुलिसकर्मी के खिलाफ रिपोर्ट, उसे सुरक्षा पुरुषों को सौंप दें। कुछ यात्रियों ने कांस्टेबल को घेर लिया क्योंकि उन्होंने भागने की कोशिश की और उन्हें मारा। यह पूछे जाने पर कि क्या कांस्टेबल पर छेड़छाड़ का आरोप लगाया जाएगा, श्री भलोद ने कहा, हमें कोई शिकायत नहीं मिली है, लेकिन वीडियो के आधार पर हम कठोर कार्रवाई कर रहे हैं। भालोड ने कहा, रेलवे महिलाओं की सुरक्षा के लिए कई उपाय कर रही है। उन्होंने कहा कि 5 महिला शक्ति दल प्रत्येक महिला अधिकारी के नेतृत्व में लगातार चल रहे हैं। पश्चिमी रेलवे के महिला अधिकारियों ने 4 जून को रेलवे प्लेटफॉर्म पर सुरक्षा में सुधार के लिए एक नई पहल शुरू की। अधिकारियों ने महिलाओं के यात्रियों के साथ अपने सुझावों की तलाश करने के लिए इंटरेक्टिव सत्र शुरू किए। वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि बांद्रा मुंबई सेंट्रल अंधेरी बोरीवली और विरार में नियमित अंतराल पर सत्र आयोजित किए जाएंगे।